आयुर्वेद हमारी सबसे प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों, आयुर्वेदिक दवाइयों, घृत, पाक तथा भस्मों का वर्णन किया गया है। दरअसल ये सभी आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में आपकी सहायता करते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे लाभकारी आयुर्वेदिक पाक के बारे में जो आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही फायदेमंद है। इस दवा का नाम बादाम पाक है। आयुर्वेद में पाए जाने वाले सभी पाकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है बादाम पाक, जो कि हर उम्र के व्यक्तियों, बच्चों, बूढ़ों, स्त्री पुरुष सभी के लिए फायदेमंद है। कैसे, ये हम जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी सूतवाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल परमानंद आयुर्वेद पर। आज मैं आपको बताऊंगी बादाम पाक से जुड़े कुछ फायदे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यह दवा और ऐसी ही अन्य सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा घर बैठे हमारी वेबसाइट परमानंद आयुर्वेद के जरिए मंगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस दवा से। बादाम पाक एक अत्यंत ही लाभकारी आयुर्वेदिक पाक है, जिसे पूरे वर्ष भर सेवन किया जा सकता है। बादाम पाक बल वीर्य वर्धक और पौष्टिक योगों का राजा है, जिसे हर उम्र के व्यक्ति सेवन कर सकते हैं। दुबले और कमजोर व्यक्तियों को इस दवा का सेवन रोजाना करना चाहिए। बादाम पाक आपके दिमाग और हृदय दोनों को बल देता है। इसके साथ साथ सिर दर्द, कमजोरी के कारण चक्कर आना और मानसिक विकार जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। बादाम पाक सभी प्रकार के पित्त रोगों में भी काफी फायदेमंद है। आज की बिजी लाइफस्टाइल के चलते यदि आप सही से खाना नहीं खा पाते, तो रोजाना बादाम पाक का 1 से 2 चम्मच सेवन दूध के साथ आपके शरीर को सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व प्रदान करेगा। बादाम पाक यौन समस्याओं में भी काफी फायदेमंद है। इसके साथ साथ पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी यह दवा एक चमत्कारी औषधि है, जो उनकी मेमोरी पावर को बढ़ाने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों के बारे में, जो इसे इतना असरदार और प्रभावशाली बनाते हैं। बादाम पाक का मुख्य घटक बादाम होता है, जिससे आप सभी भली भांति परिचित होंगे। बादाम हर तरीके से आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। बादाम के अलावा इस दवा में गाय का घी, वंग भस्म, परवाल पिष्टी, जायफल, जावित्री और सफेद मूसली जैसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब बात आती है इस दवा के सेवन की। आप इस दवा का सेवन 1 से 2 चम्मच रोजाना दिन में 1 से 2 बार दूध के साथ कर सकते हैं। इस दवा में चीनी और मिश्री होने के कारण इस दवा का सेवन डायबिटीज के रोगी ना करें। इसके सेवन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट परमानंद आयुर्वेद के जरिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से मुफ्त में परामर्श कर सकते हैं। अब बात आती है इस दवा को खरीदने की। इसका एकमात्र समाधान है परमानंद आयुर्वेद। जी हाँ, परमानंद आयुर्वेद आपको हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवा उचित दाम और उच्च गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही हम आपको देते हैं सभी दवाओं पर फ्री होम डिलीवरी की सुविधा, और ऐसा करने वाले हम ही भारत की एकमात्र आयुर्वेदिक कंपनी है। यही नहीं, हमारे यहाँ से दवा खरीदने पर आपको मिलता है सभी दवाओं पर 10 से 15% तक का डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, जल्दी करें और हमारी इन सेवाओं का लाभ उठाएं। ऑर्डर बुक करने के लिए सिर्फ आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, जो कि है www.paramanandayurveda.com, और अपनी मनचाही दवाई का ऑर्डर बुक करना है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो आप हमें फोन या SMS करके भी अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। दवा 3 से 4 दिन के अंदर आपके घर पहुंचा दी जाएगी। यहां मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको इन दवाइयों के लिए किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, क्योंकि हम आपको देते हैं फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। तो जल्दी करें, हमारी इन सेवाओं का लाभ उठाएं और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप कोई ऐसी दवा ढूंढ रहे हैं जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम आपको सुविधा देते हैं VIP ऑर्डर फॉर्म की। जी हाँ, इसके लिए सिर्फ आपको हमारी वेबसाइट के होम पेज पर जाना है और इस फॉर्म को फिल करना है, और आपकी मनचाही दवा आपके घर पहुँचा दी जाएगी। आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि भविष्य में हम आपको आयुर्वेद और आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में और अधिक जानकारी दे सकें। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई दवा और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आंचल है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड आपको किसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताता है तो उसे इस्तेमाल करने से पहले या ख़रीदने से पहले एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें कि वो आपकी उस बीमारी के लिए कारगर है या नहीं है, और या उसे किस डोज में लेना है या किस अनुपान के साथ लेना है, ताकि वो जिस बीमारी के लिए या जिस समस्या के लिए आप उस औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अपना असर आपके शरीर पे दिखा सके और किसी प्रकार से आपको नुकसान न पहुंचाए। आजकल YouTube में भी बहुत सी वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि किसी मेडिसिन या किसी हर्ब्स के लिए होती हैं, लेकिन ये है कि आप वीडियोस देखते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें कि वो औषधि आपकी उस बीमारी के लिए है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज वीडियोस तो देख लेता है और बिना डॉक्टर से सलाह लिए वो मेडिसिन इस्तेमाल कर लेता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर मेडिसिन ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट के लिए सेफ़ हो। आखिरी में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी औषधि इस्तेमाल करने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें, और अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक आपके नज़दीकी उपलब्ध ना हो तो आप परम आनंद आयुर्वेद पर कॉल करके चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं।